देश के कई राज्यों में कुदरत का कहर, बारिश और तूफान से करीब 70 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर। तूफान से सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में मची तबाही, अकेले आगरा में 36 लोगों की मौत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, संभल में भी बरपा कहर। राजस्थान में भी लोगों पर पड़ी मौसम की मार, तूफान से 27 लोगों की मौत की खबर, हजारों मकान हुए तबाह। कर्नाटक में राहुल गांधी ने कृषि क्षेत्र में मोदी सरकार को दिया एफ ग्रेड, ट्वीट कर कहा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को हो रही है परेशानी। कर्नाटक के गुलबर्गा में पीएम मोदी की रैली, बोले कर्नाटक से कांग्रेस की छुट्टी होकर रहेगी, 5 साल बर्बाद हुए, अब एक पल बर्बाद नहीं होगा। कर्नाटक के सिरसे में उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी का सिद्धरमैया पर हमला, कहा देश के बाकी राज्यों की तरह होगा कांग्रेस का हश्र, सिद्धरमैया की होगी जमानत जब्त। जिन्ना को लेकर बीजेपी में छिड़ी जंग पर कांग्रेस का वार, राजीव शुक्ला ने पूछा आखिर जिन्ना पर क्या है पार्टी का रुख। एएमयू विवाद पर कांग्रेस के वार पर बोले सीएम योगी, जिन्ना ने देश को बांटा, भारत में महिमा मंडन बर्दाश्त नहीं होगा। कांग्रेस ने लाल किले को डालमिया को गोद देने का किया विरोध, लाल किले के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांगी भीख, कार्यकर्ताओं ने कहा करार को किया जाए रद्द। कावेरी जल विवाद को लेकर केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में जवाब, अभी मसौदा तैयार नहीं, पीएम मोदी और ज्यादातर मंत्री कर्नाटक चुनाव में व्यस्त। ट्रिपल तलाक पर अध्यादेश लाएगी केंद्र सरकार, सूत्रों के हवाले से खबर, अध्यादेश का वक्त अभी तय नहीं, राज्यसभा में अटका है बिल। योगी सरकार के मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह का विवादित बयान, दलितों को शबरी और बीजेपी नेताओं को बताया राम, दलितों के घर जाने वाले नेता राम की तरह हैं। उत्तर प्रदेश योगी के मंत्री ने दिखाए बागी तेवर, शराबबंदी की मांग को लेकर दी चेतावनी, ओम प्रकाश राजभर बोले अगर आंदोलन में शामिल नहीं हुए तो 2019 में चुनाव का कराएंगे बहिष्कार। ट्रेन में टॉयलेट के पानी से चाय बनाने वाले वेंडर पर रेलवे की कड़ी कार्रवाई, देना होगा 1,00,000 रुपए का जुर्माना। सामने आई बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर, 28 जून से शुरू होगी अमरनाथ की यात्रा, 2,00,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने कराया रजिस्ट्रेशन। 10 साल से निचले स्तर पर पहुंची सोने की मांग, गोल्ड डिमांड ट्रेंड्स रिपोर्ट के मुताबिक 12% गिरे सोने की मांग, घट सकती हैं कीमतें। ईरान के पश्चिमी कोगिलुए और बोयर अहमद प्रांत में भूकंप से हाहाकार, 150 लोगों के घायल होने की खबर, रिक्टर पैमाने पर 5.2 थी भूकंप की तीव्रता। चेन्नई और कोलकाता के बीच होगा आज मुकाबला, कोलकाता में खेला जाएगा मैच। छप गया सोनम कपूर की शादी का कार्ड, मेहमानों के लिए हर फंक्शन में रखा गया ड्रेस कोड, 8 मई को शादी के बंधन में बंधेंगी सोनम। और बर्थडे पर अमिताभ के मैसेज का अनुष्का ने नहीं दिया रिप्लाई, यूजर्स ने सुनाई खरी खरी, अमिताभ ने भी पूछा क्या है वजह।